हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इन्फोटेक ऑफिशियल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड या फिर यूडीआईडी कार्ड के लिए कैसे घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई प्रोसेसिंग फीस दिए, और साथ ही आपका फॉर्म भी घर पर ही ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद जैसे ही आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, वेबसाइट पर आ जाएगा, वहाँ से आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सारा प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है और आप यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इस कार्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती और किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में, अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम में आप इस कार्ड का बेनिफिट उठा सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यूडीआईडी कार्ड बनाने के लिए आपको swablabankard.gov.in की इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यूडीआईडी कार्ड को रिन्यूअल करवा सकते हैं, और साथ ही अगर आपका यूडीआईडी कार्ड खो गया है या लॉस्ट हो गया है तो उसका भी डुप्लीकेट बनवा सकते हैं। साथ ही अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं और यूडीआईडी कार्ड बनने के बाद उसे डाउनलोड भी यहीं से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट नंबर पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडीआईडी कार्ड। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप एक एक करके सारी डिटेल फिल करेंगे, जैसे कि सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आपको अपना एप्लीकेंट नेम देना है, जिसके लिए भी आप कार्ड बनाना चाहते हैं उसका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और सरनेम यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपको अगले कॉलम में हिंदी में वही नाम टाइप कर देना है। जब आप वो नाम टाइप करेंगे तो उसके बाद एक स्पेस देंगे तो ऑटोमेटिकली वो नाम हिंदी में टाइप हो जाएगा। इसी तरीके से आपको हिंदी में भी सरनेम और फर्स्ट नेम टाइप कर लेना है। इतनी डिटेल फिल करने के बाद अगले कॉलम में आपको एप्लीकेंट का फादर्स नेम एंटर करना होगा और साथ ही मदर्स नेम भी आप एंटर कर देंगे, और एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ, जिसके लिए भी आप कार्ड बना रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद आपको आवेदक के पिता का नाम हिंदी में भी टाइप कर देना है। आप एक बार फिर से टाइप करेंगे और स्पेस देंगे तो हिंदी में टाइप हो जाएगा, और इसी तरीके से आपको माता का नाम भी हिंदी में मेंशन कर देना है। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी एज कैलकुलेट होकर यहाँ पे आ जाएगी। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे आपकी एज यहाँ नीचे इस कॉलम में ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर दे देना है। अगले कॉलम में आपको ईमेल आईडी और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देना है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज इस कॉलम को भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप जनरल हैं या एससी हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से जनरल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, आप चाहें तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसे भी आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अपना मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं आपको यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इतनी सब डिटेल फिल करने के बाद आपको यहां पे एक कॉलम देखने को मिलता है, रिलेशन विद पीडब्ल्यूडी पर्सनल विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप अपने खुद के लिए ये कार्ड बना रहे हैं तो यहां से ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहां पे आपको सेल्फ के ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप किसी और के लिए कार्ड बना रहे हैं तो आपको यहां से उनको सिलेक्ट कर लेना है और उसकी डिटेल यहां पे आपको देनी होगी। लेकिन अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो यहां से सेल्फ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो अपलोड करनी होगी, जिसका साइज़ 15 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि फ़ोटो को रीसाइज़ कैसे किया जाता है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले से ही बना दी है, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और अपनी फ़ोटो या सिग्नेचर को रीसाइज़ करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर के लिए आपको 3 से 30 KB के बीच साइज़ देना है, इसी के बीच में आपको यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप कर देना है। सबसे पहले आपको इंग्लिश में यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद उसी एड्रेस को आपको नीचे हिंदी में भी टाइप कर लेना है। हिंदी में जैसा कि मैंने बताया, आप टाइप करने के बाद स्पेस देंगे तो वही एड्रेस आपका हिंदी में टाइप हो जाएगा। एड्रेस एंटर करने के बाद आपको यहाँ से अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ से अपनी स्टेट दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके अपनी डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी सिटी या सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके सिलेक्ट कर लेनी है। इतना सब करने के बाद आपको यहाँ पे विलेज या ब्लॉक का ऑप्शन देखने को मिलता है। एक बार फिर से ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से अपनी ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगले कॉलम में आपको अपने एरिया का पिन कोड देना है। पिन कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस प्रूफ देना होगा। उसके लिए यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे आधार कार्ड देंगे तो आधार कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी को आपको अगले कॉलम में अपलोड करना है। यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट किया है, अगर आपने भी यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो आपको अपने आधार कार्ड को यहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए 10 KB से 100 KB का साइज़ यहाँ पे निर्धारित किया गया है। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको इस कॉलम पे टिक कर देना है। ऑटोमेटिकली आपका सारा एड्रेस नीचे के कॉलम में भी फिल हो जाएगा। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ से ग्रेजुएट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको डिसेबिलिटी डिटेल सिलेक्ट करनी है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आपका कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले से ही बना हुआ है तो आपको यहाँ पे येस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसकी डिटेल दे देनी है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे नो के ऑप्शन पे ही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद आपको यहाँ से अपना डिसेबिलिटी टाइप सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से लो विज़न सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, डिसेबिलिटी सिंस, अगर आपको डिसेबिलिटी हाल ही में हुई है तो आपको फर्स्ट नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर डिसेबिलिटी जन्म से ही है तो आपको यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको डिसेबिलिटी एरिया सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमने ऊपर लो विज़न सिलेक्ट किया था तो हम यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम यहाँ से बोथ आई सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है, डिसेबिलिटी ड्यू टू, यानी कि डिसेबिलिटी आपको किस कारण से हुई। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से यहाँ पे आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप एम्प्लॉय हैं या अनएम्प्लॉय हैं, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करके अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो यहाँ से आप प्राइवेट जॉब सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना BPL या APL सिलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए हम यहाँ से BPL सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से अपनी पर्सनल एनुअल इनकम सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें आपकी फैमिली इनकम इंक्लूड नहीं की जाएगी, आपको यहाँ पे सिर्फ अपनी पर्सनल इनकम ही देनी है। यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से अपनी इनकम सिलेक्ट कर लेंगे। इनकम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका अगला स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना एक ID प्रूफ देना है। सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे और यहाँ से अपना एक ID प्रूफ सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम यहाँ से आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आप प्रूफ यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी की एक कॉपी आपको यहाँ पे चूज फाइल में जाके अपलोड कर देनी है। उसके लिए 10 से 100 KB का साइज़ यहाँ पे अलाउड किया गया है। उसी के बीच आपको रिसाइज करके अपने ID प्रूफ की कॉपी यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एक आधार नंबर का ऑप्शन देखने को मिलता है। आप अगर आधार नंबर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे दिए गए कैप्चा कोड को एंटर कर देना है और यहाँ से टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है। सभी डिटेल फिल करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे एक कॉलम देखने को मिलेंगे। उस कॉलम पे आपको सभी पे येस पे टिक कर देना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर दे दिया जाएगा, उसे आप कहीं पे सेव करके रख सकते हैं या नोट करके रख लीजिए। एनरोलमेंट नंबर को नोट करने के बाद आपको इस फॉर्म को कहीं पे भी वेरीफाई कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका फॉर्म ऑनलाइन ही वेरीफाई कर दिया जाएगा और वेरीफाई होने के बाद आपका UDID कार्ड या डिसेबिलिटी ID कार्ड
बन जाएगा और बनने के बाद आप इसे यहीं से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको फिर से इस मेन वेबसाइट के होम पेज पे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर जो कि आपको फॉर्म जमा करने के बाद मिला था उसे एंटर करना है और गो के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख पाएंगे। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगी आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा और उसके बाद आपको डाउनलोड किस तरीके से करना है UDID कार्ड वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपकी UDID एप्लीकेशन वेरीफाई हो जाएगी उसके बाद आपको यहीं से ही कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है डाउनलोड योर ई डिसेबिलिटी कार्ड या फिर EUDID कार्ड, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है और उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, दिए गए कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहीं पे ही जैसे ही आपका UDID कार्ड बन जाएगा आपको वहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, उसे आप डाउनलोड करके सेव रख सकते हैं और कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप UDID कार्ड के लिए घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं और फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप सवाल कर सकते हैं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, अब आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।